पंडित उदय शंकर। ये सिर्फ दुर्भाग्य ही है कि हिंदुस्तान में लोग उन्हें सितार सम्राट, भारत रत्न पंडित रविशंकर के बड़े भाई के तौर पर जानते हैं, वरना पंडित उदय शंकर का भारतीय कलाओं, खास तौर पर डांस को लेकर जो योगदान है वो आशाओं से परे है। नमस्कार, मैं प्रभात छुंगलू आज आपको पंडित उदय शंकर की कहानी सुनाता हूँ। पंडित उदय शंकर का जन्म राजस्थान के उदयपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता जाने माने बैरिस्टर थे और झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। कामकाज और शिक्षा के उद्देश्य से पिता का अक्सर घर से बाहर आना जाना था। ऐसे में उदय शंकर अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़े। झालावाड़ के अलावा उत्तर प्रदेश के शहरों में भी उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। इसी दौरान उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली। करीब 18 साल की उम्र रही होगी और साल था 1918 के आसपास। उदय शंकर को पढ़ाई के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट भेजा गया। इसी दौरान पिता ने झालावाड़ के महाराज के यहाँ नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भारतीय संगीत नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया। दरअसल इस बीच उदय शंकर के पिता ने एक इंग्लिश महिला से विवाह कर लिया था। खैर, उदय शंकर को इसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन दिला दिया गया। उदय शंकर के लिए टर्निंग पॉइंट ये भी था कि उन्होंने इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान छोड़ दिया। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पिता के आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे। एक ऐसे ही कार्यक्रम में विश्वविख्यात बैले डांसर एना पावलोवा मौजूद थीं और उन्होंने उदय शंकर का डांस देख लिया। इसके बाद पंडित उदय शंकर का एक महान नृतक के तौर पर उदय शुरू हुआ। इसके बाद तो पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन में पंडित उदय शंकर का डांस देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी। ये अलग बात है कि उनकी ख्याति के साथ साथ ये चर्चा लगातार चलती रही कि उन्होंने कभी परंपरागत तरीके से डांस तो सीखा ही नहीं है। उदय शंकर के बारे में ज़्यादा जानकारी का न होना शायद वक्त की बेरुखी ही कहेंगे। सच्चाई ये है कि पंडित रविशंकर ने बतौर सितार वादक विश्व पटल पर जो नाम कमाया उसके पीछे भी पंडित उदय शंकर का बड़ा रोल है। विदेशों में पंडित रविशंकर को जो शुरुआती कार्यक्रम मिले उनके पीछे पंडित उदय शंकर का ही हाथ था। यहाँ तक कि पंडित रविशंकर ने अपने भाई के कार्यक्रमों में नृत्य भी किया है। ये अलग बात है कि उन्हें नृत्य करने से सख्त परेशानी थी। आप जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर के सर्च इंजन में पंडित उदय शंकर के बारे में खोजिए, जो पहली बात उनके बारे में पता चलती है वो ये कि वो आधुनिक नृत्य के अगुआ रहे। उन्होंने भारतीय नृत्य को देश के बाहर ले जाकर पहचान दिलाई, भारतीय नृत्य को उन नृत्यों के समकक्ष लाकर खड़ा किया जिनका बोलबाला था। ये सब कुछ तब जब उनके पास स्वयं नृत्य की कोई विधिवत शिक्षा नहीं थी। ये बात और हैरान करती है कि 1971 में ही उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उसके बाद भी कला की दुनिया के बाहर आम लोगों में उनका उस तरह से नाम नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। बहुत से लोगों को पता तक नहीं था कि उदय शंकर भारतीय डांस को यूरोप और उत्तरी अमेरिका ले जाने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। लोगों को ये समझ भी नहीं थी कि विदेशी कलाकारों में पंडित उदय शंकर को लेकर कितना क्रेज है। प्रसंगवश ये भी बताते चलें कि जोहरा सहगल भी पंडित उदय शंकर के डांस ट्रूप की एक सदस्य थी। इसके अलावा विश्व विख्यात नृत्यांगना बाला सरस्वती ने भी पंडित उदय शंकर के साथ ट्रूप में नृत्य किया था। फ्रेंच डांसर सिमोन बाबिये के साथ पंडित उदय शंकर की जोड़ी को पूरी दुनिया में कमाल की सराहना मिली।
कंपनी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। पंडित उदय शंकर, ये सिर्फ दुर्भाग्य ही है कि हिंदुस्तान में लोग उन्हें सितार सम्राट, भारत रत्न पंडित रविशंकर के बड़े भाई के तौर पर जानते हैं, वरना पंडित उदय शंकर का भारतीय कलाओं, खास तौर पर डांस को लेकर जो योगदान है वो आशाओं से परे है। नमस्कार, मैं प्रभात छुंगलू आज आपको पंडित उदय शंकर की कहानी सुनाता हूँ। पंडित उदय शंकर का जन्म राजस्थान के उदयपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता जाने माने बैरिस्टर थे और झालावाड़ के महाराज के यहाँ काम करते थे। कामकाज और शिक्षा के उद्देश्य से पिता का अक्सर घर से बाहर आना जाना था। ऐसे में उदय शंकर अपने चाचा के यहाँ रहकर पढ़े। झालावाड़ के अलावा उत्तर प्रदेश के शहरों में भी उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। इसी दौरान उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली। करीब 18 साल की उम्र रही होगी और साल था 1918 के आसपास। उदय शंकर को पढ़ाई के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट भेजा गया। इसी दौरान पिता ने झालावाड़ के महाराज के यहाँ नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भारतीय संगीत नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया। दरअसल इस बीच उदय शंकर के पिता ने एक इंग्लिश महिला से विवाह कर लिया था। खैर, उदय शंकर को इसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन दिला दिया गया। उदय शंकर के लिए टर्निंग पॉइंट ये भी था कि उन्होंने इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान छोड़ दिया। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पिता के आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे। एक ऐसे ही कार्यक्रम में विश्वविख्यात बैले डांसर एना पावलोवा मौजूद थी और उन्होंने उदय शंकर का डांस देख लिया। इसके बाद पंडित उदय शंकर का एक महान नृतक के तौर पर उदय शुरू हुआ। इसके बाद तो पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन में पंडित उदय शंकर का डांस देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी। ये अलग बात है कि उनकी ख्याति के साथ साथ ये चर्चा लगातार चलती रही कि उन्होंने कभी परंपरागत तरीके से डांस तो सीखा ही नहीं है। उदय शंकर के बारे में ज़्यादा जानकारी का न होना शायद वक्त की बेरुखी ही कहेंगे। सच्चाई ये है कि पंडित रविशंकर ने बतौर सितार वादक विश्व पटल पर जो नाम कमाया उसके पीछे भी पंडित उदय शंकर का बड़ा रोल है। विदेशों में पंडित रविशंकर को जो शुरुआती कार्यक्रम मिले उनके पीछे पंडित उदय शंकर का ही हाथ था। यहाँ तक कि पंडित रविशंकर ने अपने भाई के कार्यक्रमों में नृत्य भी किया है। ये अलग बात है कि उन्हें नृत्य करने से सख्त परेशानी थी। आप जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर के सर्च इंजन में पंडित उदय शंकर के बारे में खोजिए, जो पहली बात उनके बारे में पता चलती है वो ये कि वो आधुनिक नृत्य के अगुआ रहे। उन्होंने भारतीय नृत्य को देश के बाहर ले जाकर पहचान दिलाई, भारतीय नृत्य को उन नृत्यों के समकक्ष लाकर खड़ा किया जिनका बोलबाला था। ये सब कुछ तब जब उनके पास स्वयं नृत्य की कोई विधिवत शिक्षा नहीं थी। ये बात और हैरान करती है कि 1971 में ही उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उसके बाद भी कला की दुनिया के बाहर आम लोगों में उनका उस तरह से नाम नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। बहुत से लोगों को पता तक नहीं था कि उदय शंकर भारतीय डांस को यूरोप और उत्तरी अमेरिका ले जाने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। लोगों को ये समझ भी नहीं थी कि विदेशी कलाकारों में पंडित उदय शंकर को लेकर कितना क्रेज है। प्रसंगवश ये भी बताते चलें कि जोहरा सहगल भी पंडित उदय शंकर के डांस ट्रूप की एक सदस्य थी। इसके अलावा विश्वविख्यात नृत्यांगना बाला सरस्वती ने भी पंडित उदय शंकर के साथ
ट्रूप में नृत्य किया था। फ्रेंच डांसर सिमोन बाबिये के साथ पंडित उदय शंकर की जोड़ी को पूरी दुनिया में कमाल की सराहना मिली। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।